नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 News। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। बेगूसराय बाढ़ के पानी में नहाने गई दो पुत्री सहित मां की डूबने से मौत हो गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के तुलसी टोल के समीप सनहा गुदरगामा बांध की है। एक परिवार के तीन लोगों की एक साथ डूबकर हुई मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान पहाड़पुर पंचायत के वार्ड 1 तुलसी टोल गांव निवासी राजा राम तांती की 35 वर्षीय पत्नी द्रौपदी देवी, 14 वर्षीय पुत्री रिमझिम कुमारी व 11 वर्षीय पुत्री रोमा कुमारी के रूप में की गई। बताया जाता है कि महिला अपने दो पुत्री रिमझिम एवं रोमा के साथ बाढ़ के पानी में स्नान करने गई थी। इसी क्रम में रोमा स्नान करते करते गहरे पानी में चली गई, जिसे डूबता देख बड़ी पुत्री रिमझिम उसे बचाने के लिए गहरे पानी में चली गई, जिसके बाद दोनों पुत्री को डूबता देख बचाने मां द्रौपदी देवी गहरे पानी में कूद गई, जिससे तीनों डूब गए। स्थानीय गोताखोर की मदद से पहले महिला और फिर दोनों पुत्री का शव बरामद किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेजा है। आगे की अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुड़ी हुई है। बलिया के तुलसी टोला वार्ड नंबर 1 का है और एक परिवार से तीन, दो बेटी और एक माँ का डेथ हो गया पानी में और बाढ़ के कारण। और बाढ़ एक दिन का नहीं है, हर वर्ष बाढ़ आता है, गंगा माँ वहाँ आती है और वहाँ लापरवाही प्रशासन का है। बाढ़ का एरिया है, बांध का बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पर बच्चा लोग बांध के बीच में चला जाता नहाने। खुला बांध है, उसमें कोई गाड़ी लेके चला जाता है, कभी वो डूब जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी फसल काटने के लिए जो कमर कमर भर जा रहा है, सरकार उसको देख नहीं रही है, मजबूरी में हाई बाप करके जाता है घास काटने, उसमें डूब जा रहा है। लगातार जो लापरवाही आपको जो देखने को मिलेगा वो एक दिन का नहीं है। यहाँ के DM को आज नहीं, हम लोग 10 साल से एक्टिव हैं अपने साईपुर कमाल के अंदर और जिला के अंदर, हम लगातार देख रहे हैं। और बाढ़ आने से पहले चाहे बांध का बॉर्डर का मामला हो, बैरिकेटिंग का मामला हो, जो भी हो, लगातार उस पर बोले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपको उतना दूर नहीं जाइए, हम आपको पहले भी बोले रहे, अभी भी बोल रहे हैं, जब जब कोई घटना हुआ और घटना होने के बाद आकस्मिक घटना भी अगर हो गया, अगर बेगूसराय लाना है अगर किसी पेशेंट को या जो डेथ कर गया है अगर उसको लाना है, तो ये हालत है कि वहाँ पर आपको एक सब वाहन नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस नहीं मिलेगा आपको सदर अस्पताल लाने के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए। और यहाँ पे देखिए, ड्राइवर अभी बेचारा उछल फान कर रहा था, इसका मजबूरी है, इसको जबरदस्ती लाया जाता है, ना इसको कोई पैसा देता है, ना कुछ नहीं देता है। ये परेशानी का आलम है जो आपके सामने दिखा। जिनकी जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम हुआ, वो कहाँ के रहने वाले हैं? उनका एक का जो लेडीज है उनका द्रौपदी देवी नाम है, और दूसरा जो बच्चा है उसका आशु रूमा कुमारी और रिमझिम कुमारी नाम है उनका। एक का उम्र 13 साल, एक का 11 साल, इस टाइप से उनका एज है। तो जो ये जो घटना है, बहुत दुख है कि एक परिवार का एक दिन में तीन तीन चला गया ऐसा। और सायपुर कमाल के अंदर सानहा के अंदर भी एक डेथ हो गया है उसी गंगा में डूबने से। तो आकस्मिक घटना हो रहा है, लेकिन जो बांध के यहाँ पर, अगर वहाँ पर बांध के एरिया में SDRF NDRF या गोताखोर का जो टीम है, जो बांध बाढ़ आने से पहले जो प्रिकॉशन सरकार को लेना चाहिए, और इतना तक नहीं, इसका दुखद है। हम इस घटना के प्रति पूरे जनता दलियों के लोग और बिहार सरकार संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको आत्मा की शांति मिले और इस दुख के घड़ी में उस परिवार को ईश्वर इतनी किसी शक्ति दे जिससे धैर्य रखने की क्षमता बढ़े। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अनुग्रह राशि है, इन लोगों ने जिला प्रशासन से बात किया है, अविलंब पीछे से उस राशि को मुहैया कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ हम नौजवानों से अपील करते हैं कि बाढ़ के पानी में नहीं नहा। कहाँ की घटना है और किस तरह? बलिया और साहेबपुर, बलिया में एक परिवार के तीन लोग हैं और साहेबपुर कमाल में एक परिवार के, टोटल 4 लोग थे। तो जिस तरह अभी देख रहे हैं कि क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, इसको लेकर आपकी सरकार और आपका प्रशासन क्या व्यवस्था की जा रही है? लगातार प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी से लगा हुआ है, लेकिन हम नौजवानों से अपील करते हैं, छात्रों से, कि बाढ़ के पानी में नहीं नहाएं।